प्रयागराज में किसानों ने अपनी तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर से सरकारी अमले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े सैकड़ों किसानों ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर घेरा डालो डेरा डालो अभियान की शुरुआत की है। प्रदर्शन में दर्जनों ट्रैक्टर से सिविल लाइन पहुंचे हैं, जहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष युवा अनुज सिंह के नेतृत्व में किसान प्राधिकरण के दफ्तर में डेरा जमाकर बैठ गए हैं। वही किसानों का कहना है कि विकास प्राधिकरण मनमानी करते हुए उनका उत्पीड़न कर रहा है। नए नए नियम बनाकर उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वो बेमियादी तौर पर यहां जमे रहेंगे। शोएब रिजवी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये किस लिए इतना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए मोर्चा खोला गया है? प्रयागराज विकास प्राधिकरण है, उस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं इस यूनियन के तमाम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, और यही वजह है कि किसान यूनियन के तमाम नेता जो है पीडीए कार्यालय पहुंच गए ट्रैक्टर के एक लंबी चौड़े जुलूस के साथ, और वहीं पर गेट पर ये लोग बैठ गए। इनकी डिमांड ये है कि पीडीए नए नए नियमों के आधार पर किसानों को परेशान कर रही है। ग्रामीण इलाकों में भी जो पीडीए के दायरे से बाहर है वहां पर भी नक्शा बनाने के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, इस तरह के कई गंभीर आरोप लगाए, और इसी को लेकर के उनकी नाराजगी बढ़ गई और वो बाकायदा आज बड़ी संख्या में पीडीए कार्यालय पहुंचे। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो पीडीए है वो किसानों का उत्पीड़न कर रही है, खासतौर से उनकी जमीनों पर, अगर वहां पर कोई आवास का काम होता है उस पर भी पीडीए नियमों का हवाला देकर के उनका उत्पीड़न कर रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पीडीओ का अपना रेंज नहीं होता, उसके बाद भी उनके अधिकारी वहां पर जाकर के लोगों को परेशान करते। इस तरह की कई आरोप पीडीए पर लगाए और इसकी वजह से बड़ी संख्या में किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता है वो आज पीडीए कार्यालय पहुंच गए। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर उनकी डिमांड नहीं मानी गई और ये चीजें नहीं सुधरी तो वो आने वाले दिनों में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसानों की जो यूनिटी है वो आप जानती ही है। जिस तरह से बड़ी संख्या में एक किसान आज इकट्ठा हुई है, काफी दिन तक वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल, जो पीडीए का दफ्तर है वो इस तरह से किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं से पूरी तरह से खचाखच भर गया और वहाँ पर किसान बाकायदा बैठ गए। उनकी यही डिमांड है कि अधिकारी इस पर गंभीरता से एक तरह से फैसला करे और ना सिर्फ वो ये बात सुनिश्चित करे कि इस तरह का उत्पीड़न किसानों का नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस तरह की हरकतें करते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कितने दिनों से ये मांग रहे थे जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई है? देखिए, ये आज इनका एक तरह से कह सकते हैं कि आज पहला दिन था और आज ही ये बड़ी संख्या में पहुंचे। इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया है कि अगर इनकी मांग को आज गंभीरतापूर्वक अधिकारी पर विचार नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा और उग्र रूप से करेंगे, इस तरह की चेतावनी दी है। तो कह सकते हैं कि आज इन्होंने अपनी शुरुआत की है और आज कहीं ना कहीं ये कड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि अगर पीडीए अपनी कार्यशैली नहीं सुधारेगा और किसानों की जो शिकायतें हैं उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में इससे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो क्या आज होके ही ये आज आंदोलन समाप्त हो जाएगा या कंटिन्यूसली रहेगा? देखिए, अभी फिलहाल किसान यूनियन के जो हमारे नेताओं से बातचीत, उनका कहना है कि वो इंतजार कर रहे हैं, जो पीडीए के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमला है, वो हमारी मांगों पर किस तरह का रूख अख्तियार करता है। अगर उनकी तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और इससे बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। आंदोलन को किसान आजकल हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं शुएब, हमने देखा कि किस तरीके से जब पिछला आंदोलन मांग लिया गया और वो मांगे उनकी पूरी हो गई, उसके बाद से किसान एक के बाद एक आंदोलन कर रहे हैं शुएब। बिल्कुल, देखिए, ये लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं और निश्चित तौर पर किसान उसी का हवाला देते हुए इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। ये सही बात है कि बहुत बार आंदोलन के नाम पर एक तरह से दबाव बनाने की भी राजनीति की जाती है, राजनीतिक कारणों से भी इस तरह के आंदोलन देखने को मिलते हैं, लेकिन जो इस आंदोलन की बात की जा रही है इसमें सीधे तौर पर पीडीए पर आरोप लगाया जा रहा है, उनकी नाराजगी पीडीए पर है। ठीक है, अब देखना होगा कि कब तक ये आंदोलन जारी रहता है और इनकी मांगें मानी जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए शोएब।